अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। नहीं, ये व्लॉग नहीं है, ये कहानी है। कहानी एक ऐसे लड़के की जो आज से 4 साल पहले मुल्तान आया था। बहाउद्दीन जरके यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया। अजीबो गरीब इंसान था, बहुत ज्यादा अजीब सोचता था, हजार तरह के डर थे उसके दिल में, डर के लोग उसको जज करेंगे, डर के लोग उसके सराय की लहजे को जज करेंगे, डर के वो अगर किसी के साथ बोलेगा तो उसे जज किया जाएगा, हत्ता कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, लोग इसको जज करेंगे। लेकिन आपको पता है, जब वो मुल्तान आया था ना, वो ये सोच कर रहा था कि आज से 4 साल बाद जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा होगा तो वो कम्प्लीटली न्यू पर्सन होगा, ये सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल नहीं होंगी। सो दिस इज़ अमार मूवी राइट बार, जिसने उन सारी चीज़ों को ओवरकम किया। वो जो इंट्रोवर्ट इंसान था, उसने खुद को बदला और इस काबिल बनाया कि वो आप सबके साथ बात कर सकता है, कैमरे को फेस कर सकता है, और टीवी कमर्शियल में उसे कास्ट किया गया है। सेंट्रल ड्रामेटिक्स क्लब को कितनी मरतबा उसने अवार्ड्स उनके नाम किए हैं, बहुत यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है, अपनी तारीफ को ज्यादा नहीं की जाती। तो इस सब को बताने का मकसद ये था कि यार मेरी डिग्री खत्म होने लगी है, क्योंकि डिग्री खत्म होने लगी है तो मेरे ख्याल से ये हमारी कोई आखिरी गेट टुगेदर थी यूनिवर्सिटीज के मेट्स के साथ ऑफिशियली, जिसे बोल सकते हैं। तो ये गेट टुगेदर कहाँ थी, ये गेट टुगेदर थी हमारी सपोर्ट्स गाला पे, और हमारा लास्ट इवेंट है, इसके बाद पेपर्स होंगे और कोई इवेंट नहीं होगा। सो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, अभी चलते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट्स गाला के चक्कर क्या चल रहे हैं। तो आपका भाई भी अपनी क्लास की क्रिकेट टीम में था, और हमारी ये रिवायत रही है कि आज तक हम एक मैच भी नहीं जीते। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और बॉलर्स को बड़ी गंदी मार पड़ी। 4 ओवर में हमने कोई 78 का टारगेट दिया था, जो कि 3 ओवर में चेज हो गया, और तीसरा ओवर जो था ना आपके भाई का था। लेकिन एक अच्छी बात है यार इस सारे मैच की, कि आपके भाई ने पहली बॉल पे ही विकेट ली, और सिर्फ एक ही विकेट ली गई थी, वो भी आपके भाई ने ली। लेकिन मजीद उसके बाद जो मुझे छक्के पड़े, आई देखते हैं अगली कामर का साथ होता है। अगर क्रिकेट हो रही हो, कमेंट्री ना रही हो तो बेसोध हो। ये कैच, सिक्स 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 फील्डर राउंड ऑन द बॉल, लाइट है, हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक मतलब फिर पहला मैच हार के बाहर हुआ, ये हमारा हमने अपनी रिवाइज नहीं तोड़ी। तो भैया ये था हमारा स्पोर्ट गाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी, ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया ज़िंदगी है नाम सीखने का, और आप जहाँ भी जिस मकाम पर भी पहुँच जाए, आप कभी एक कंप्लीट पर्सन इंसान नहीं बन सकते। तो सीखते रहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।